हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि मोबाइल से ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें। तो अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं, अब पुलिस के मांगे जाने पर अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और चलान देने से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और ध्यानपूर्वक देखते रहिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए। ऑनलाइन अपने मोबाइल से ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहां से एक एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे जिसका नाम है डिजी लॉकर। वैसे इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, जहां से डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपली आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में ओपन करेंगे। तो चलिए हम अपने फोन में डिजी लॉकर एप्लीकेशन को यहां पे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको भी कुछ देखने को मिल जाएगी। यहां पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को पहली बार अपने फोन डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहां पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं और आपका एक नया अकाउंट बन जाता है, जिसके लिए आप यहां पे फुल नेम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, 6 अंकों का पासवर्ड बनाएंगे, ईमेल आईडी ऑप्शन यहां पे डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट यहां पे डिजी लॉकर एप्लीकेशन में बन जाती है। मेरा ऑलरेडी इस पर एक अकाउंट है तो मैं यहां साइन इन पे क्लिक करके मैं फटाफट यहां पर लॉग इन हो जाता हूं। जिसके बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। यहां पे अगर आप लेफ्ट साइड में इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाती है ड्राइविंग लाइसेंस का। अगर आपको यहां पे वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है तो नीचे सर्च बार में क्लिक करके आप ड्राइविंग लाइसेंस सर्च करेंगे, लिख के तो आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए हम ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल स्टेट आ जाएगी तो आप यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ झारखंड से हूँ तो मैं अपने झारखंड स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए झारखंड को यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे DL नंबर यानी कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे इंटर करना है। चलिए हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप गो गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ ही सेकेंड लेंगे और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसे फेच किया जा रहा है, ऑनलाइन फाइंड किया जा रहा है। तो आपको कुछ सेकेंड का वेट करना है और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ गया जहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये रही आपकी जो देख सकते हैं ऑनलाइन एक डिजिटल फॉर्मेट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पर जरूरत पड़ने पर कहीं पर भी आप इसे दिखा सकते हैं। और इसकी मान्यता आपकी फिजिकल DL लाइसेंस जो होती है, ओरिजिनल वाली ड्राइविंग लाइसेंस होती है, उसी के बराबर इसकी भी मान्यता होती है, क्योंकि डिजी लॉकर एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, कुछ भी हो, राशन कार्ड हो, आप सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप बहुत ही सरल और आसान तरीके से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कहीं पर भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे कार नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।